चुकन दे रहे। पर जो सामने आ तस्वीर लगे हुई ने जो इन्होंने गोरख धंधे प्रमोशन बिल्कुल दिखा रही सब कुछ दर्शाया ने बहुत वे खतरे को दर्शा रही ने यह जो तस्वीर ने पर प्रदूषण बोर्ड में नहीं दिखदी उन्होंने दिखती ही क्योंकि फैक्ट्री प्रदूषण बंद नहीं कर रही। चलो आप अपनी आवाज नारे नाल बुलंद करिए शराब फैक्ट्री बंद करो बंद करो बंद करो शराब फैक्ट्री बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो प्रदूषण विभाग मर्दाबाद प्रदूषण विभाग मर्दाबाद फर्ज बंद है इस गल चकना चाहिए सरकार तक पहुंचाना चाहिए। सरकार की बीमारी एक साडे पिंड हो रही है कोई मीडिया वाले अज तक सा किसी ने यह गल कही भी हां भाई ना पांच सात पिंड इस संघर्ष में पूर चढ़ सकते हैं। यह संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है यह छोटा संघर्ष नहीं है। लोग मर रहे ने बीमारियां तो हो रही बहुत बीमारियां ने चाइना च होर बीमारी है आ मीडिया वाले ने एक होर बीमारी का रोज कि असी ब्लाक प्रधान अमरीत सिंह घग्गा भारतीय किसान यूनियन ग्राहा जिहड़ा ये प्रोग्राम साडा धरने का शुरू होया है असी पिछले साल भी करिया थी मिल के मूहरे रोड के उत्ते संघर्ष साडा 8-9 दिन चलता रहा। उस तो बाद इस फैक्ट्री के मालकां नूं कुछ नहीं सोचा भी इत्थे लोगों का अपने खिलवाड़ हो रहा है बीमारी फैल रही है असी बहुत इन्हां नूं जा के भी कहे पर इन्हां ने एक नहीं मनी इस लेंदे देंदे असी ने केस भी पै गया उत्थे प्रदूषण बोर्डां दीआं चैकिंगां भी हो गईआं। उस प्रदूषण बोर्ड ने इस फैक्ट्री नूं तकरीबन 1 करोड़ रुपया जुर्माना भी पाता इहनूं फैक्ट्री नूं दोषी भी ठहराया गया। उस दे बावजूद भी ये फैक्ट्री हले भी अंदरों चल रही है हले की उल्टा इन्हां ने की करिया फैक्ट्री बंद करन दे बजाय इस प्रशासन ने उपर साडा लोकां दा किसानां दा फायदा तां इन्हां ने की करना सी उल्टा साढ़े 4-5 सरपंचां दे उत्ते परचा करता जिहड़ा कि जमा धोखे नाल करिया इन्हां ने फैक्ट्रियां नाल आप शीशे तोड़ के ये सरपंचां दे परचा करता ना कि भी जिहड़ी कमेटी संघर्ष कमेटी बनी हुई है ये उत्ता ना चक सके ये किसी मूहरे बोल ना सके इन्हां नूं दबाउण वास्ते इन्हां दे किसानां ते साडे दे परचा करता प्रदूषण खत्म करने कि परचा कैंसल करने इत्थे जिहड़ा साडा कल दा धरना चल रहा है अणमिथे असीं धरना है एक कला परचियां दी गल नहीं परचे भी कैंसल कराउणे ने पर इत्थे जिहड़ा प्रदूषण है फैक्ट्री का ये फैक्ट्री बंद कराउण वास्ते भी है फैक्ट्री चुकाउण वास्ते भी है ना कि ये गाह जिहड़ी बीमारियां साडे किसानां दे बच्चियां नूं लग रही ने अज तो ये बीमारियां बंद हो सकन तां ये धरना असीं ने पक्का मोर्चा इत्थे लाया। इस संघर्ष नूं कित्थे तक लेके जाणा जी ये संघर्ष जिहड़ी संघर्ष साडी कमेटी बनी हुई है उस कमेटी अगे साडियां जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन अगराहां साडी पिछे असीं इन्हां दी मदद जिथे दे इह जाणगे जिथे दी जाणगे असीं उत्थे दी इन्हां दी मदद करदे रहांगे। दिन हो गए कोई अफसर आया तुहाडे कोल? नहीं इत्थे कोई अफसर नहीं आया पहला नंबर तां इत्थे तहसील च अफसर नहीं साडे कोल की आऊगा अज भी हले थे भी कोई अफसर नहीं इत्थे पहुंचिया तहसील दे विच इत्थे गैर हाजिरी रहिंदी है बिल्कुल इत्थे कोई डीसी चैक नहीं करता कोई मिनिस्टर इत्थे चैक नहीं करता इत्थे कोई सारिआं दा रले मिले ही भुगता इत्थे तहसीलां आम ही खाली बैठियां ने साडियां। ये जी जो एक साल पहला तो संघर्ष शुरू होया सी जिहदे विच असीं चाहुंदे सी कि जिहड़ी शराब फैक्ट्री है जां तां सही कानून मुताबक चले जां इत्थों चक्की जावे पर यह असी जिवें ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फैसला दिता उहदा भी सरकारां ने लागू नहीं कराया तो उस तो उपरंत सगों उल्टा साडे कमेटी मैंबरां ते झूठे परचे पाते तो असी यह जिहड़ा संघर्ष हुण किसान यूनियन रल के सारे इलाके ने यह चलाया है ये उदों तक जारी रहेगा जदों तक ये जिहड़ी शराब फैक्ट्री है ये प्रदूषण रहित नहीं हो जाती जां बंद नहीं हो जाती ते जदों तक साडे ते झूठे परचे कीते साडी फैक्ट्री मालिक तो ये कहिंदे भी सानू किसान
ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे मंगते हैं साढ़े तो, इस तरह की भी गल आ रही हैं सामने भी कोई ऐसी प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैला रही, फैक्ट्री बिल्कुल बंद पई है अंदर, सिर्फ बोटलिंग हो रही है, इससे तुम की कहोगे? असं नहीं कह रहे सर, जी ग्रीन ट्रिब्यूनल आई सी टोटल इन्होंने 1 करोड़ रुपया जुर्माना पा के गई सी, ये झूठ किमें असं किमें कह रहे हैं, इन्हों के महकमे भी कह रहे हैं। दूजा सवाल जिहड़ा तुसीं पैसों का किया, वह प्रचार करा रहे हैं अपने बंदों के थ्रू, वह खुद पैसे दे रहे हैं कुछ लोगों नूं, किसी नूं 10-20 हज़ार रुपया, 10,000-5,000 किसी मजदूरों दे के उन्हां तों प्रचार करा रहे हैं। साडी कमेटी का कोई भी मैंबर, कोई भी साडे इलाके का किसान यूनियन का मैंबर ऐसा काम अज तक कोई सबूत कर दे कि किसी ने 5 रुपये भी लए होण, ये झूठ है। नहीं हूँ इस दिन जी फैक्ट्री है, किस तरह की बीमारी फैली है, कि पिंड प्रभावित हुए हैं इस दे नाल? जी बीमारियां एक नहीं जी, बीमारियां बहुत तरह दी फैलिया ने, जिस तरह के एलर्जी दे रोग, काला पीलिया, होर कई तरह दी जिहड़ियां बीमारियां ने, कैंसर, ऐसिया बीमारियां ने उन्होंने जन्म दिता है कि जिहड़ियां असीं कदे इलाके च देखियां भी नहीं सी। इस करके जिहड़ियां ये एक पिंड नहीं, इहदे घट तो घट असीं समझदे हां कि 25-28 पिंड साडे प्रभावित ने इस फैक्ट्री तो। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟਾਰਚ ਬੇਸਡ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਮਿੱਠੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੀ 25-30 ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਈਵਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਸ ਅਸੀਂ ਭਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਸ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਭਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ, ਸੈਂਪਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਉਠਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਗ ਕੇ ਸਾਥ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸਮਾਣਾ ਨਿਊਜ਼।